बताना चाहता हूँ, ये 1095 XP है और इसमें पिकअप का इशू है, ठीक है। तो ये VCI मैनेजर है जो हम इसे कनेक्ट कर चुके हैं, ये है। जी हाँ, ये हम पहले इसे कनेक्ट किया हूँ गाड़ी में, यहाँ पे ये देखिए, है ना। और इसके द्वारा मैंने लैपटॉप में भी लगाया हूँ। मैं अब एडवांस डायग्नोस्टिक का मैं यहाँ खोलने वाला हूँ, ये देखिए एप्लीकेशन है ना, अभी ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। जी हाँ, ये देखिए अभी यहाँ पे DTC फॉल कोड दिखा रहा है। हम क्यों चेंज कर रहे हैं EMS में, इसमें चेक लेट और MI लेट दोनों आ रहा है, अब पिकअप का इशू है। अभी ये जो कोड देख रहे हैं आप P1011, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट फेलवर सिग्नल है ना, तो अभी ये मैं नया डाल रहा हूँ, है ना। और ये DTC अनलॉक भी दिखा रहा है, यानी कि कभी कभी इसका चलते चलते में प्रॉब्लम होता है, चलती गाड़ी में पिकअप का इशू रहता है, पोअर पिकअप है ना। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ नया EMS जो हम चेंज करने वाला हूँ। देखिए ये है इश्यू इमेज, है ना, जो अपना गाड़ी को इंजन को कंट्रोल करता है, इंजन को पूरा सिस्टम, कितना फ्यूल देना है, कितनी रफ्तार में भागना है और कितनी लोड भी लेना है गाड़ी में, ये सब हैंडल ये करता है, है ना। जिसका अमाउंट लगभग 26,000 कुछ रुपए है। अभी हम इसको फ्लैशिंग करने वाले हैं ना, अभी हम यहाँ पे आए सॉफ्टवेयर में फ्लैशिंग करने के लिए, ओके। अभी यहाँ पे आप देखिए, इसको न्यू सॉफ्टवेयर लेना है फ्लैशिंग के लिए, है ना। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट वर्क कर रहे हैं, अभी ये फ्लैशिंग इन प्रोसेस हो रहा है, यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, ठीक है। कम से कम इसे 15 मिनट जाएगा फ्लैशिंग होने के लिए, क्योंकि ये इंटरनेट दोबारा हो रहा है ना, तो इसको टाइम लगता है थोड़ा। और आपका ये देखिएगा इग्निशन ऑन है इसका, है ना, यानी कि चाबी ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डोंट टर्न ऑफ द पावर सप्लायर, यानी कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट होते समय चाबी को ऑफ नहीं करना है, साथ ध्यान भी देना है द कनेक्टिंग बिटवीन, है ना, EC VIC एंड ECU मोस्ट नॉट बी इंटरप्ट ड्यूरिंग द फ्लैश प्रोसेस, है ना। अभी इस पर ध्यान देना, अगर आपको ये रुक गया बीच में कहीं भी, तो फिर हमारा कनेक्शन कट जाएगा यहाँ पे। जी हाँ, मैं वीडियो रोक के इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय लगता है इसको, अभी ये लगभग हो गया है ट्रांसफर डाटा इन प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे होने के बाद सक्सेसफुल लिखा जाएगा और ग्रीन टिक भी हो जाएगा, ये हो चुका है फ्लैशिंग ऑफ द ECU वाज सक्सेसफुल, ठीक है। अभी हम वापस लेके जाएंगे आपको कि ये वापस कोई DTC फॉल्ट कोड है क्या इसमें। अभी हम यहाँ पे DTC फॉल्ट कोड देख रहे हैं, अभी ये पहले का है, अभी हम इसको क्लियर कर रहे हैं ना। अभी हम यहाँ पे पैरामीटर करने के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं EZR वगैरह को। अभी हम यहाँ पैरामीटर के लिए EZR को मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ, अभी हम यहाँ पे पैरामीटर के लिए सेलेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, अभी अब गाड़ी स्टार्ट करने वाला, गाड़ी स्टार्ट करो भैया, चलो। ओके, हमारा गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, और आप एक काम करो, गाड़ी थोड़ा रेस पकड़ो, RPM करो, फुल लेके आओ, 3000 RPM पे लेके जाओ, 3000 पे लेके जाओ, 3000। चलो भाई लोग, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और कमेंट भी करना और शेयर भी करो। और मेरा नाम शमशाद शेख है, जो